अगेन मैं हूं आपका सागर कुमार छेत्री और आज एक नया ब्लॉग फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। आज तीज है सो चलते हैं, पर काफ़ी पसीना पसीना हो गया काफ़ी। और लेट्स गो, थोड़ा सा मेरा रूम मैसी है, इसको मम्मी क्या कर रही है देखते हैं। किचन पहुंची, जैसे कि आप देख सकते हैं मम्मी काफ़ी सज धज के बैठी हैं। सो सज धज के बैठने का कारण है आज है तीज है। सो इसीलिए मम्मी अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में, यानी हमारे नेपाली ट्रेडिशनल ड्रेस में रेडी है। ऑस्कर आ गया, इसलिए बात कर रहे हैं। ऑस्कर चलो दिखाते हैं। ये रही मेरी मम्मी, नमस्ते बोल रही हैं। सो आज पकवान बन रहा है, यानी कि मटन बन रहा है। बताइए क्या बन रहा है? मटन खासी का मासूम। अच्छा, तो पहले तेल डाला। ये रहे इंग्रेडिएंट्स, प्याज, मिर्ची, तेजपत्ता, ये मसाला, उसके बाद आलू, एंड ये रहे मटन नेपाली कटिंग, इसको कहते हैं, जिसमें चमड़ा होता है और ये चर्बी अलग से। वाह, जिसमें चमड़ा होता है ना, तो इसको कहते हैं नेपाली कटिंग। सो अब मम्मी बनाएगी। गर्मी लग रहा है। गर्मी लग रहा है। इस तरह से मैं कैसे बैठा था? अरे इलाचन इस तरह बैठे थे, इलाचन था। अच्छा, ठीक है। मम्मी बोलते थे क्या क्या डाल रही हैं? ये प्याज है, प्याज डाल रही हूँ। ये हरा मिर्चा है। अब इसको चला दें, ब्राउन जब तक नहीं होता तब तक चलाते रहिए। अब ये ब्राउन हो गया, इसके बाद में ये जीरा पेस्ट है और धनिया है, उसके बाद वो खड़ा पीसा हूँ मैंने, लहसुन, अदरक और प्याज सब पीस के यहाँ पे रखी हूँ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ इसमें क्या क्या पड़ता है। देखिए पहला हो गया आपका हल्दी, हम लोग हिंदी में हल्दी बोलते हैं, नेपाली में भी हल्दी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टर्मरिक। ये हो गया चिल्ली पाउडर, ये देना पड़ता है खुरसानी को पाउडर, हल्दी बोलते हैं। ये हो गया नमक, नेपाली में बोलता है नून, आप लोग गलत उसमें मत जाइएगा। चलाइए, काफ़ी अच्छा कलर आ गया, मसाला को थोड़ा देर घुसते रहना चाहिए। पति देव ऐसे चलाइए जल्दी, बहुत गर्मी हो रहा है। वाह, ऐसे गर्मी में खस्सी का मीट खाना चाहिए, उसके में ये डाल के खाना चाहिए, फिर कितना गर्मी होगा। लाल कपड़ा पहन के आलू अभी नहीं देना है, आलू थोड़ा बाद में, जब मटन थोड़ा देर पकेगा उसके बाद आलू देना पड़ता है। बस किचन किचन में ना एसी लगाने से ठीक होगा। और इसके साथ क्या बनाने वाले हो मटन के साथ? इसके साथ ये चावल भिगो के रखी हूँ, ये जुहा चावल बोलता है, असम का जुहा चावल, असम में होता है, अदर बाहर में नहीं होता है, तो इसको भिगा के रखी हो, ये थोड़ा देर में इसको पुलाव बनाए। अच्छा, मेरे जेठा जो आ गया है, ये हमारे जेठा जो और या मामा ससुर होने से ऐसे करते हैं हम लोग, पर अभी क्या करें, अभी आ गए अचानक। नमस्कार, अजय बसनुस। ये भी नेपाली का ही ढाका से बना हुआ है गमछा। मीट डाला मैंने, मटन, ये मटन इसको डाल दिया, आलू डाल दिया और उसमें से फ्राई हो रहा है। अब ये जो मैंने रखी थी चर्बी, उसको भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब इसको थोड़ा देर बनाएंगे, उसके बाद पानी जितना चाहिए अनुसार डाल देंगे, हो जाएगा मेरा मटन। यहाँ पे मेरा हो रहा है पुलाव।
इसको झोल डाल दिया हूँ, अभी इतना अच्छा से हो रहा है, हो गया इसको पक्का, हो गया चिकन मटन हो गया मेरा। चला कर दिखा दो, एक मिनट रुकिए मैं चला के भी दिखाती हूँ। मैं और अस्कर बैठ गए हैं खाने के लिए। ये रहा अस्कर, अस्कर ये रहा अस्कर, अस्कर शायद नहीं देख पा रहे होंगे, ये देखो। एक्चुअली हम नीचे बैठे हुए हैं यहाँ पर, एसी वाला रूम है ना, तो एसी किचन में हम लोग नहीं खा सकते क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो एसी वाले रूम में आके बैठ के हम खा रहे हैं। सो हमारा मतलब क्या है कि नीचे बैठ के खाने का ज़्यादा हैबिट है, डाइनिंग में कम खाते हैं हम लोग। सो देख सकते हैं ये रहा, हम नीचे ऐसे बैठते हैं और ये रहा मेरा थाली रेडी है, ये रहा पुलाव और ये रहा चिकन। ओ गिर जाएगा, दिखाता हूँ आपको चिकन, ये रहा चिकन और ये रहा पुलाव। सो आज ये है हमारा स्पेशल, आज का स्पेशल खसी का मासू और पुलाव। ऑस्कर भी एकदम खाने के लिए पागल हो रहा है। ये रहा हमारा ऑस्कर, ऑस्कर 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 क्या कर रही, क्या करनी, क्या करनी, को यो ये को। सो ऑस्कर बैठा हुआ है हमें हमारे साथ बिकॉज उसको खाना मिलेगा बोल के वो बैठा हुआ है। उसका खाना हो चुका है क्योंकि वो सबसे पहले खाता है हमारे, हमसे पहले वो खाना खाता है तब जाके ही हम खाते हैं, अदरवाइज वो हमें खाने के लिए नहीं देता है। सो ये था तीज, मतलब कि तीज में मतलब ऐसा होता है कि तीज के त्यौहार में ऐसा होता है कि लड़कियाँ अपने घर आती हैं, जो ब्याही हुई लड़कियाँ हैं वो अपने घर में आती है और उनके लिए स्पेशल पकवान बनते हैं, जिसको जो पसंद है वो सब बनते हैं। सो वही चीज़ हमने बनवाया है और कल फास्टिंग होगा, आज सब दबा के खाते हैं, ठूस ठास के खा लेंगे, कल फास्टिंग करेंगे। सो इट्स लाइक कड़वा चौथ जैसा रहता है, जैसे कड़वा चौथ होता है सेम वैसे ही एज इट इज़ कड़वा चौथ की तरह होता है, बट कड़वा चौथ में शायद ही आगे दिन खाना मतलब ऐसा कुछ दबा के खाते होंगे, बट हमारे इसमें ऐसा रिचुअल है कि चिकन मटन कुछ भी हो, जो भी उनका फेवरेट हो, पनीर वेज नॉन वेज कुछ भी, सारा कुछ वो बनाते हैं एंड बेटियों को खिलाते हैं, मतलब कि अपने ससुराल से बुला के मायके में उनको खिलाते हैं एंड देन नाचते हैं गाते हैं। आपने देख ही लिया होगा हमारे नेपाली ट्रेडिशनल ड्रेस कैसा होता है, मम्मी ने पहना था वो पहन के आज उन्होंने खाना बनाया और वो अभी उसके बाद कल वो पहनेंगी फास्टिंग के टाइम में, उसके बाद फिर फास्टिंग करेंगी, फिर वो फास्टिंग रात को टूटेगा देन फिर खाएंगी, वही चीज़ है। सो आप सबको हैप्पी तीज, जितने भी नेपाली रूले हेरी रख मोचा सब पे हजूर रुलाई हैप्पी तीज एंड जितने भी इंडियंस हैं आपको भी हैप्पी तीज और जितने भी बाहर के लोग देख रहे हैं उनके लिए भी हैप्पी तीज। सो अब हम खाना खाते हैं।